हेलो, क्या हमारी पृथ्वी शेषनाग के फनपटी की है? बचपन से आज तक हम बड़े होते गए और हमारे दिमाग में हमेशा यही बात बैठी रही कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है, क्योंकि बचपन से जो बात सुनते गए वही हमारे मन में रख गई। और जब शेषनाग हिलते हैं तो पृथ्वी पर भूकंप आ जाता है, यही बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब आज वैज्ञानिक युग में हम सैटेलाइट से, चंद्रमा से और अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो हमें कहीं पर भी शेषनाग नहीं दिखाई पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे धर्मग्रंथ ये कहते हैं कि पृथ्वी हमारी शेषनाग के फन पर टिकी है। और आज के समय में हर चीज को वैज्ञानिक नजरिए से देखने वाले आज के बच्चे हमारे धर्मग्रंथ की इस बात को हंसी में उड़ा देते हैं। दरअसल हमारी पृथ्वी और शेषनाग वाली बात हमें सबसे पहले महाभारत में मिलती है। अधो मही गच्छ भुजंगो तमः स्वयं तसेवा विवरम प्रदास्यते इमाम धराम धरायता तवा ही में महता पर्यम शेष कृतम भविष्यति। महाभारत आदि पर्व के आस्तिक उपवर के 36वें अध्याय का ये श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि शेषनाग को ब्रह्मा जी धरती धारण करने को कहते हैं और शेषनाग जी आदेश का पालन करते हुए धरती को अपने फन पर धारण कर लेते हैं। लेकिन इसमें यह लिखा है कि शेषनाग को हमारी पृथ्वी को धरती के भीतर से धारण करना है, ना कि खुद को बाहर वायुमंडल में स्थित करके पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करना है। इसमें शेषनाग की भी परिभाषा दी गई है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्वा संस्कार शेषो अन्यः, अर्थात रुक रुक कर विशेष अभ्यास से, पूर्व के संस्कार से या चरित्र से तथा शेष, शेष का अर्थ है माइक्रो सूक्ष्म लहर। परिभाषा के अनुसार कुलनाग दीर्घ तरंग जिन्हें कहते हैं और सर्प जिन्हें की सूक्ष्म तरंग कहते हैं, इनकी संख्या 1000 बताई जाती है और उसमें से शेषनाग की कुंडलिनी ऊर्जा की संख्या 976 आती है तथा 24 अन्य नाग या तरंग माने गए हैं। ऐसी परिभाषा धार्मिक पुस्तकों में मिलती है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार यांत्रिक लक्षणों के आधार पर पृथ्वी को स्थल मंडल, स्थेनोस्फीयर, मध्यवर्ती मेंटल, वाय क्रोड और आंतरिक क्रोड में बांटा गया है, एवं रासायनिक संरचना के आधार पर भू प्रॉपर्टी, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, वाय क्रोड और आंतरिक क्रोड में बांटा गया है। समझने वाली बात यह है कि पृथ्वी के ऊपर का भाग भू प्रॉपर्टी प्लेटों से बना है और इसके नीचे का भाग मेंटल से बना है, जिसमें मेंटल के इस निचली सीमा पर दाब 140 जीपीए पाया जाता है और मेंटल में संवहनीय धाराएं बहती हैं, जिनके कारण स्थल मंडल की प्लेटों में गति उत्पन्न होती है और इन गतियों को रोकने के लिए एक बल काम करता है जिसे कि भूचुंबकत्व कहते हैं। इसी भूचुंबकत्व की वजह से टेक्टोनिक प्लेट जिनमें भू प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ है और वो इसी कारण से स्थिर रहती हैं तथा उसमें कोई गति नहीं होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार शेषनाग के हजारों फन हैं और शेषनाग के शरीर के अंत में एक हो जाते हैं जिन्हें की पूंछ बोलते हैं। इसी हिसाब से भूचुंबकत्व में हजारों मैग्नेटिक वेव्स हैं, अर्थात भूचुंबकत्व की उत्पत्ति का केंद्र एक है। इस तरह से ये कहना कि शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पे टिका रखा है, इसका मतलब यह है कि भूचुंबकत्व की वजह से पृथ्वी टिकी हुई है। और शास्त्रों का ये कहना है कि शेषनाग के हिलने से भूकंप आता है, अर्थात भूचुंबकत्व के बिगड़ने से या हिलने से इस पृथ्वी पर भूकंप आता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे वैदिक ग्रंथों में इसी भूचुंबकत्व को ही शेषनाग कहा गया है। जानने लायक बात यह है कि क्रोड का विस्तार मेंटल के नीचे है, अर्थात 2890 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक, किंतु ये भी दो परतों में विभक्त है जिसे कि वाह्य कोर और आंतरिक कोर कहते हैं, जहां पर वाह्य कोर तरल अवस्था में पाया जाता है,
क्योंकि ये द्वितीयक भूकंपीय तरंगों को सोख लेता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों का ये कहना कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर स्थित है मात्र कल्पना नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है कि पृथ्वी शेषनाग अर्थात भू चुंबकत्व की वजह से ही टिकी है और उनके हिलने जुलने से भूकंप आता है। इसका जो कारण है भौगोलिक कारण है, जिसे कि हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म के हिसाब से बताया गया है। अब चूंकि इतने गूढ़ और वैज्ञानिक रहस्य सबको एक एक समझाना बेहद दुष्कर कार्य था, इसलिए पूर्वजों ने इसे एक कहानी में पिरोकर हमारे ग्रंथों में संरक्षित रख दिया था। और हम ये जानते हैं कि हमारी पूर्व की टेक्नोलॉजी वास्तव में बहुत अच्छी रही है। इसी प्रकार से श्री रामचरितमानस, यथार्थ गीता और भागवत पुराण तीनों में ये बात कही गई है। यथार्थ गीता के 10वें अध्याय के 29वें श्लोक के अनुसार भागवत पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी सरसों के दाने की तरह शेषनाग नामक सर्प के ऊपर टिकी है। इसी विषय में रामचरितमानस के बालकंड दोहा 72 के दूसरे चौपाई में कहा गया है कि तपबल शंभु करें संघारा, तपबल शेष धरें महिधारा, अर्थात शेष जी तप के बल से ही पृथ्वी का भार धारण करते हैं। अगर इसको भी हम वैज्ञानिक नजरिए से या वैज्ञानिक तर्क के हिसाब से देखें तो हमारी पृथ्वी 8 ग्रहों और सूर्य सहित सौर मंडल में स्थित है। ये सौर मंडल अनेक तारों सहित आकाश गंगा नामक मंदाकिनी में स्थित है। इस आकाश गंगा नामक मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार अर्थात सर्प के आकार का बताया गया है। शेष नाग वास्तव में एक सर्प है और हमारा सौर मंडल इस मंदाकिनी के शिकारी भुजा अर्थात मुख, जिसे कि ओरायन सिग्रस कहते हैं, उस जगह पर स्थित है। हमारे सत्य सनातन धर्म के ऋषि मुनि आज के वैज्ञानिकों से अधिक ज्ञाता और योग्य रहे हैं। वे अपनी शक्ति से इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अन्य लोक तक भी चले जाते थे, जो कि हमारे ग्रंथों में मिलता है। वे इस मंदाकिनी से बाहर जाकर आकाश गंगा और पृथ्वी के स्थित और आकार को स्पष्ट रूप से देखने में उस समय पूर्ण रूप से सक्षम थे। वो ये भी देख सकते थे कि सर्प के आकार रूपी इस मंदाकिनी में पृथ्वी सरसों के दाने की भांति प्रतीत होती है। आज के विज्ञान में भी सौर मंडल के आकार और मंदाकिनी के आकार में ये बात आई है कि यदि हमारे सौर मंडल को 1 रुपये मान लिया जाए तो मंदाकिनी का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का 1.5 गुना होता है। इस अनुपात को शास्त्र ने भी माना और इसीलिए उसने पृथ्वी को सरसों के दाने की भात कहा है। आकाश गंगा और पृथ्वी के इस अद्भुत संरचना को आसानी से समझाने के लिए हमारे महर्षियों ने सर्प मॉडल अर्थात शेषनाग मॉडल का नाम दिया था। जैसा कि आज के समय में परमाणु संरचना को समझाने के लिए वैज्ञानिक जे.जे. थॉमसन ने तरबूज मॉडल का नाम दिया था, उस समय की विज्ञान प्रौद्योगिकी ये बात कहती थी कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है, लेकिन वो महज कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि उसका आधार आज का विज्ञान था। और विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि इस आकाश गंगा नामक मंदाकिनी का आकार भी सर्पिलाकार है। तो इस प्रकार से धर्म और विज्ञान की दोनों बातें सही हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है, क्योंकि उसको उन्होंने समझाने के हिसाब से लिखा था। जहां पर धर्म ने इस शेषनाग को एक मॉडल के रूप में बताया है,